नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर कश्मीर से है। आपको बता दें, कश्मीर शोपिया के उपायुक्त फजलुल हसीब ने पुलिस अधीक्षक शोपिया आईपीएस तनुश्री के साथ शोपिया में नशा मुक्ति केंद्र और इसकी ओपीडी का दौरा किया और नशा मुक्ति केंद्र और इसकी ओपीडी में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। एसएसपी तनुश्री ने कहा कि शोपिया पुलिस जिले में नार्को आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। फैसिलिटी का ये देखने आए थे कि इसमें गैप क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है, तो एक बार अब थोड़ा हमें आइडेंटिफाई हो गया है तो वापस जाके थोड़ा इन गैप्स को प्लग करने की कोशिश करेंगे। बेसिक आइडिया वही था इनके खिलाफ। अभी ये तो अभी डी एडिक्शन का ही इनका सिस्टम चल रहा है, तो एक बार हो जाएगा, बाकी अवेलेबिलिटी, सप्लाई, फिर पोस्ट एडिक्शन क्या इश्यूज है, डी एडिक्शन है, वो हम वो पुलिस ऑलरेडी कर रही है। अभी मैडम भी आपको बताएंगी। तो अभी भी आई थिंक जैनापुरा वगैरह में इन्होंने हेरोइन वगैरह लिया था, अभी चरस 50 लाख से ज़्यादा कैश के साथ कैप्चर हुआ था, तो एक्शन हो रहा है तो, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं। आपको बताएं कि बड़ा सिंपल इशू नहीं है, तो चूंकि कॉम्प्लेक्स इशू है तो इसका सोल्यूशन भी आहिस्ता आहिस्ता हम वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ के विजिट से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमने डिस्ट्रिक्ट में इसको किस प्रायोरिटी पर। बिल्कुल, देखिए ड्रग में हम लोग को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। एक विक्टिम होता है और एक इसमें पेडलर होता है, तो ये जो विक्टिम्स है उसके हेल्प करने के लिए बनाया गया है। जो लोग चाहते हैं कि इस एडिक्शन से बाहर आ जाए उसके लिए बनाया गया है। और ऑलमोस्ट मोर देन 500 पेशेंट यहाँ पे आ चुके हैं और उसका लाभ ले चुके हैं। तो आई होप कि और भी जितने लोग हैं एडिक्ट हैं और विलिंगनेस है उसमें एडिक्शन को छोड़ने की, तो ये ओपीडी जो हम लोग आगे भी प्लान कर रहे हैं एंड प्लस जो अभी यहाँ पे काम कर रहा है वो काफी, हम लोग तो कोशिश पूरी कर रहे हैं अपने तरफ से कि जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन आए, चाहे वो बड़े पेडलर की आए या छोटे पेडलर की आए, हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं। लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा एक्शन बढ़ा है ड्रग पेडलर के खिलाफ, ऑलमोस्ट डबल FIRs हुए हैं। नाउ अभी वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रॉपर्टी सीज करना। इसमें जितने भी बड़े पेडलर्स हैं, इन्होंने अगर ड्रग्स के पैसे से ज़मीन खरीदी है, घर बनाए हैं, तो वो भी सीज होंगे। हमारा एक्शन इसमें काफी स्ट्रॉन्ग रहे।